पिछले कुछ दिनों से करनाल के सभी राइस मिलर्स व आढ़तियों ने मंडी में धान की खरीद करने पर रोक लगाई थी और सभी मिलर्स हड़ताल पर चले गए थे, जिसका मुख्य कारण था कि उनकी कई मांगों को काफी समय से सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर करनाल के सभी राइस मिलर्स और आढ़ती पिछले 2 दिन से मंत्री करण देव कम्बोज के साथ बैठक कर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। आज एक निजी होटल में हुई बैठक में अभी मिलर्स ने अपनी मुख्य मांगों को लेकर राज्य मंत्री करण देव कम्बोज को अपना ज्ञापन दिया, जिसको लेकर मंत्री ने उन पर विचार कर उनकी मांगों को पूरा करने का ठोस आश्वासन दिया। मंत्री करण देव कम्बोज ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले और फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार सदैव गंभीर रही है। धान खरीद का यह सीजन भी निर्बाध चले, किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए राइस मिलर्स एसोसिएशन की सभी जायज मांगों को मान लिया गया है। एसोसिएशन द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि किसान को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। कल अपने हरियाणा मिलर एसोसिएशन की अचानक हड़ताल हो गई थी और जब इसका पता चला कि हड़ताल हो गई है मंडियों में, कुछ आढ़तियों के फोन आए, कुछ किसानों के फोन आए, तो उसके बाद जब हमें पता कराया, ये पता चला कि सेलर्स में कुछ पीवी को लेकर के मिलर्स ने हड़ताल की है, तो कल शाम को भी हम बैठे थे सभी मिलर्स एसोसिएशन की, हमने सारी बातें सुनी हैं, जो जो भी उनकी समस्याएं थी उनको हमने सुना ध्यान से, जो भी जायज बातें इनकी हैं वो सारी हम बिल्कुल जरूर जाना पॉजिटिव तरीके से उनको मानेंगे, और जो जो भी इनकी व्यवहारिक बातें थी जो ट्रेड में नहीं होनी चाहिए वो सारी हमने मान लिया। हमें और जल्दी ही पूरे हरियाणा में कहीं भी इस प्रकार से हमारे उपभोक्ता के साथ कोई भी चीटिंग ना हो, उपभोक्ता के साथ कोई किसी प्रकार का जो है ना उनका नुकसान ना हो, तो उसके लिए जो पुख्ता प्रबंध है वो सारे कर रहे हैं। आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।